जिसको थप्पड़ चलाया चोट उस कन्हैया को लगी या सर फटे उसके जिसने हाथ चलाया। ये सर फाड़ने वाले और पैर तोड़ने वाले ही हैं। अभी तो कल के बाद वो टूरिस्ट चला जाएगा, भारत तेरे टुकड़े होंगे, इस पे डिस्कशन करना है। मनोज तिवारी हमारे साथ मौजूद है, बात करते हैं। मनोज जी, क्या कहना चाहेंगे, कन्हैया कुमार और आपके बीच का जो मुकाबला है वो हॉट सीट का माना जा रहा है? कोई मुकाबला ही नहीं है, बल्कि कांग्रेस का मुंह काला है। कांग्रेस के लोग कांग्रेस छोड़ के चले गए। भारत तेरे टुकड़े होंगे ऐसा अभियान चलाने वालों का, जिसपे देशद्रोह का केस चल रहा है, कौन विश्वास करेगा? मैम, हमारे यहाँ एक ही बात की चर्चा है, अरे अरे तो वही है जिसने कहा था कि कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल यानी आतंकवादी निकालेंगे। ये वही व्यक्ति है जो छत्तीसगढ़ में 76 CRPF के जवान नक्सलियों के हमले में शहीद हुए, तो ये जवानों के शहीद होने पे जश्न मना रहा था। दे आर नक्सली सपोर्टर्स, दुर्गा जी को नहीं मानते वो लोग, वो महिषासुर की पूजा करते हैं। उनके बारे में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली जो ऑलरेडी एक भयंकर दंगा देख चुकी है, एक ताहिर हुसैन देख चुकी है, अब वो किसी आतंकी सपोर्टर को नहीं अपना सकते। कन्हैया कुमार के साथ जो थप्पड़ कांड हुआ था उसके पीछे उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो व्यक्ति ने थप्पड़ मारा उसका जो पूरा जो आप जुड़ाव है वो मनोज तिवारी के साथ है, क्या कहेंगे? भाई हम इसको सपोर्ट नहीं करते। कन्हैया कुमार कितने भी गंदे व्यक्ति हो, कितने भी एंटी नेशनल हो, कानून सजा देगा। मैंने उस घटना का कंडेम भी किया, लेकिन उस घटना में चोट किसको लगी? मैं तो मीडिया से बोलूंगा कि जरा इसको भी दिखाएं आप, जिसको थप्पड़ चलाया चोट उस कन्हैया को लगी या सर फटे उसके जिसने हाथ चलाया, कौन थे सामने लोग? अगर किसी ने हमारे ऊपर हाथ चला दिया तो हम उसको पकड़ के पुलिस को देंगे ना, कि वहीं पे वो तुगलकी फरमान सुनाएंगे, इसका सर फाड़ दो, पैर तोड़ दो। तो ये सर फाड़ने वाले और पैर तोड़ने वाले ही हैं, ये लोग तो घर घर से आतंकवादी निकालने वाले हैं। तो मैं बिल्कुल उसको सपोर्ट नहीं करता। और ऐसे में बहुत सारे सवाल उठते हैं, मगर मैं तब भी कहूँगा कि प्लीज, अभी तो कल के बाद वो टूरिस्ट चला जाएगा, 25 मई की शाम होने के बाद वो टूरिस्ट नज़र नहीं आएगा इस क्षेत्र में। इसलिए कोई भी अटैक ना करे। मैं अटैक वाला मनोज तिवारी नहीं हूँ, मैं प्यार मोहब्बत वाला। चुनाव का अंतिम समय था, लेकिन इसी दौरान कन्हैया कुमार ने ओपन डिबेट का चैलेंज दिया आपको। अब बताओ, आखिरी दिन है चुनाव का, अरे भाई तुम चुनाव हार चुके हो, तुमको प्रचार करने की कोई जरूरत नहीं है। हमको तो जरूरत है, हमें तो गली गली जाना है। कल मेरा 70 किलोमीटर का रोड शो था, अब रोड शो छोड़ के हम डिस्कशन करें? क्या डिस्कशन करें बताओ, भारत तेरे टुकड़े होंगे, इस पे डिस्कशन करना है? वो कह रहे मूलभूत सुविधाओं पर जो मुद्दे हैं, जमीनी मुद्दे, उस पर उनको डिस्कशन करें। तो ये पहले भी तो कह सकते थे, वो हमको प्रचार से क्यों रोकना चाहता है, ये समझ में नहीं आ रहा है। गड़बड़ आदमी है सब, गड़बड़ आदमी बताया ऐसे। मनोज तिवारी ने अपने तमाम मुद्दों पर अपने बात रखी है, ऐसी तमाम खबरें लगातार हम आपके सामने लेकर आते रहेंगे। बने रहिए क्विक न्यूज के साथ।